बढ़िया है। ए, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ये ग्रुप एग्जाम हो रहा है, इसलिए ग्रुप के साथ बैठा। तो क्या क्वार्टरली एग्जाम में क्वार्टर लेके बैठोगे और हाफ ईयरली में हाफ लेके बैठोगे? ए, इसके अलावा तुम सब लोग चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो यहाँ से। जाइए ना। ऐसा पेपर लिखा है कि किसी का बाप भी पास नहीं कर पाएगा। लगता है रिजल्ट आ गया, पर कुछ भी हो जाए मैं पास नहीं होने वाला। जबरदस्ती लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बन गया। क्या? तू बन गया? पर कैसे? शक्ति, हमारी भी थोड़ी पहचान है भाई, बना दिया तुम्हें पुलिस वाला। शिवा आज तक नाकामयाब नहीं हुआ है। ये लड़का भी ना। शक्ति, पुलिस में भर्ती नहीं होना है तो मत हो। मेरे पुलिस वाले बनने से पापा को खुशी मिलती है तो यही सही। लेकिन खाकी रंग से तो तुझे बचपन से नफरत है। पापा को मैंने गुस्से में तो कई बार देखा है, और उनकी आंखों में नमी सिर्फ एक ही बार देखी। उनकी आंखों में नमी मैं फिर से नहीं देखना चाहता मां। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही। पुलिस। शक्ति, मैंने तो सोचा था मेरा बेटा पुलिस यूनिफॉर्म में आएगा, तू तो ऐसे ही आ गया। बात पुलिस वाला बनने की हुई थी, अब आप ये यूनिफॉर्म को बीच में मत लाइए। तो पुलिस वाला बन गया, इसी से मैं खुश हूँ। अब देखता जा। सुनो शक्ति, तुम्हारी पोस्टिंग यही हुई है, अब पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। अभी जिंदा हूं मैं, जा। हार लाओ। सर, तुम हार पहनाओगी तो पहन लूंगा मैं। अब पहना भी दे। अबाउ जॉन।
हाँ मचल रहा है हीरो का मन। वाह ब्रिलियंट कैच। उस दिन तुमने मुझे पकड़ा, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हिसाब बराबर हो गया। कैसा लग रहा है हाँ? About turn. अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अब कौन सा पॉइंट? Listen to me carefully. Be serious. पूरे आजमगढ़ शहर में पुलिस वालों के पेट उनकी अकल से ज्यादा बड़े हैं। रिश्वत खाओगे तो यही होगा। रिश्वत खोर कहीं के। 25 किलोमीटर में फैले शहर की हिफाजत के लिए एक कमिश्नर, 7 ACP और एक ACP के नीचे 56 इंस्पेक्टर्स, 73 सब इंस्पेक्टर्स और 562 कांस्टेबल्स हैं। लेकिन फिर भी इतना अपराध क्यों है? कत्ल, लूटमार, टोटल 1412 केसेस हैं। चोरी के कुछ 626 केस हैं और 15 गैंग्स यहाँ काम करती हैं। सोच सकते हो 15 गैंग्स का क्या मतलब है? और उन 15 गैंग्स में 416 बदमाश हैं। और ये मामूली बदमाश नहीं, बहुत खूंखार है। अब तक जो तुमने किया भूल जाओ, लेकिन आज से एक नए प्लान पर अमल करेंगे। यहाँ हो रहे कत्ल, चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी और कई गैर कानूनी धंधों पर इमीडिएट एक्शन लेंगे सर। सर फोड़ दूंगा तेरा। कितनी बार कहा इमोशंस पे कंट्रोल किया करो। जिसने भी एक्शन लिया वो गया। ना तुम कोई एक्शन लोगे और ना ही कोई रिएक्शन दोगे। उसकी वजह है तुम उनसे रिश्वत लोगे और खुश रहोगे। गॉट इट? हम रिश्वत लेंगे? ऑफिसर है। साला, दबंग जैसे डायलॉग तुम्हारे, लेकिन मवाली तो मवाली ही रहेगा ना सर। यस सर, अंदर जाकर चार्ज ले लेंगे। तुमने बहुतों को चार्ज लेते देखा होगा, पर मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, तुम्हें अभी दिखाता हूं। बाबू मुझे आए, ये लोग मुझे चार्ज लेने के लिए कह रहे हैं। बोलो तो ले लूं। सबकी बैंड बजा डालो। सबकी पुंगी बजाऊंगा। वो मेरे पुरखों की जायदाद है। हम वहां शॉपिंग मॉल बना सकते हैं बाबा। ऐसा मत कीजिए, उसे मैं नहीं बेचना चाहता। वो जगह खाली कराओ। ठीक है बाबा, अपने साथ पुलिस ले जाना। Thank you.
बेटा, नहीं पी पाऊंगा माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। अंकल, मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही है, प्लीज कुछ करो। सर, जब तक इसकी माँ को हॉस्पिटल लाते मर चुकी थी। अंकल, मेरी मम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हुआ है उन्हें? मम्मी के पेट में मेरा छोटा भाई है, लगता है अब वो मेरे साथ नहीं खेलेगा। अंकल, चलिए जाइए। देख रहे थे। लेकिन साहब, जाओ जाओ। अरे सुनो सुनो, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना तुम्हें मत देखो। ये क्या हो गया? नहीं, इस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इसका ये हाल। ये आवाज तो कानों में गूंजती रहेगी। क्या तुम्हें लगा ये किस्सा खत्म हुआ? ये तो शुरुआत है उन बच्चों के दर्द का जो अनाथ हो गए, जिनके बच्चे मर गए उन माता पिताओं के आंसुओं का। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम पुलिस में शामिल हो गए हो, तुम्ही ने उन मासूमों की हत्या की है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा उन बेकसूरों के खून का।